कि मैंने पीटीआई में खवातीन को मर्दों की शान बचाना इस्तेकामत में अवसर पाया। जो खौफ और जबर, ये एक नफसियाती वार्ता जो 9 मई के नाम पे हम पे किया था और पाकिस्तानियों को डराया गया। 9 मई के बाद खान साहब जब हिदायत देते थे जेल में तो मुझे कहते थे कि शरद सर, कभी आपने अपनी कमजोरी जो है पीटीआई के लोगों के सामने नहीं बताई, कहीं ये उनको पता न चले कि हम कमजोर पड़ गए, हौसला शिकनी होगी, हम जो खौफ के साए और जबर का ये जो अफरीद है इनके दिमागों से परख रहे हैं वो सारा मिशन हमारा फेल होगा। आप यकीन करें, ये हमारे 9 मई से लेकर आज तक का सफर आप देखें, कभी भी कोई भी जुल्म हुआ हो, पर्चे हो, गिरफ्तारियां हो, मकान गिराए गए, मेरा अपना घर गिराया गया, लेकिन हमने हर चीज में आपके लिए लतीफा ढूंढा, आपके लिए शगुफा ढूंढा कि आप हमारी तकलीफों को भी इंजॉय करें, आप फील न करें। हम एक फैमिली है, एक खानदान है। आप यकीन करें, विजय के लोग आते हैं कि मैं सात से अच्छी निकालू, कोई किस तरीके से अजारे उत्पत्त करता है, लेकिन आप यकीन करें, जो मैंने पाकिस्तानियों में और ओवरसीज पाकिस्तानियों में खान के लिए जो मोहब्बत देखी है, और आप याद रखें मैंने उनको मुर्शिद बोला था और बिला वजह नहीं बोला था, ये कमिश्नर रावलपिंडी के जमीर का जागना और अचानक इस तरह जागना कि अपनी 30 साल की मुलाजिमत को लात मारना, जेल की काल कोठरी पसंद करना और ये कहना कि मुझे चौक पे लटका दो, ये मुर्शिद के करामात हो सकते हैं। ये जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कोई हम पे मेहरबान नहीं थी, 7 दिन कबल आई इलेक्शन से कबल और एक एक इवेंट की उन्होंने कवरेज की, आज पूरी दुनिया कह रही है, पाकिस्तानियों से ज्यादा अकवाम आलम को पता है कि पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है। फिर आपने ये भी देखा कि अल्लाह पकड़वाता है तो प्रिंटिंग प्रेस भी पकड़वा लिया एक ऐसे दिन पे। आप देखें, प्रिंटिंग प्रेस उस दिन पकड़ा जाता है, इधर नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारी दायर की शहजादा इस्तासब के खिलाफ, शहजादा की सासत के खिलाफ उदरदारी ने की और रिकाउंट की दरखास्त की कि मेरे वोट दोबारा गिने जाए, उधर उसने प्रेस में वोट प्रिंट करना शुरू किए ताकि तेल में डाल के जब दोबारा गिने जाएंगे तो इनके जेली वोटों से इनको सख्त दिलाई जाए। अल्लाह अच्छा, फिर आप ये भी देखें कि अल्लाह ने पीर बगाड़ा के दिल में भी बात डाल दी, महमूद खान अचकज़ई के दिल में भी बात डाल दी, रईसानी के दिल में भी बात डाल दी, सब लोग कहने लगे खुद ही की पीटीआई के लोग जीते हैं, आप हमें गलत जीतवा रहे हैं। ये इसीलिए वो शख्स 22 अक्टूबर 2022 की आप खान साहब की इंटरव्यू देखें, वो कहते हैं नवाज शरीफ की आमद से कबल मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, वही आप देख ले 22 अक्टूबर 2022 वो कहते हैं, और 9 मई का इंडिया दिया था उन्होंने कि पीटीआई को मुंतशिर करने के लिए वो कोई भी ड्रामा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया था कि नवाज शरीफ को आते ही उनको केयर की सिफारिश किया जाएगा, उन्होंने ये भी कहा था कि पीटीआई पे क्रैक डाउन किया जाएगा। आज भी उसकी तकरीर जिस तरह एक साल कबल की ऑपरेशन को यह कर रहा है, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन भी होंगे, लेकिन ये भी कहा था कि इलेक्शन भी पीटीआई की थी। आज 3-4 दिन कबल मैं उनसे मिला और ये बदौरान असीरी में उनसे मिलता आया हूं। आपका और हमारा खान आज भी आप अपने किसी बच्चे के लिए, अपने किसी इमीडिएट नस्ल के लिए जेल में नजरबंद नहीं है, उसके बच्चे
पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो इस कौम को, इस कौम के बच्चों को अपना बच्चा तस्लीम करता है और मानता है। उस शख्स ने क्या 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 इल्जाम उन पे नहीं तरह किया। अब यकीन करें हमारी हमारे जो असल इनके साथ पुख्ता हुआ है वही वजह यह है कि 71 साल की उम्र में ये इतनी सरबत बर्दाश्त कर सकता है, कोई एक टक्के की इसकी जात की मफाद व्यवस्था नहीं। ये वो शख्स है ना जिसने शौकत खानम के 3 अस्पताल दिए, सीरत-उल-नबिया तारीखी दी। ये वो शख्स है जिसने नबवी यूनिवर्सिटी दी, अल-कादर यूनिवर्सिटी दी, जिसने सेहत कार्ड दिया, जिन्होंने किसान कार्ड दिया, जिन्होंने स्टूडेंट कार्ड दिया, जिन्होंने लंगर खाने दिए, जिन्होंने कोरोना के बावजूद 2 साल के बावजूद उन्होंने मजदूर की रोज बंद नहीं किया। और इस शख्स के साथ खड़ा होना एन इबादत है, हक और सच के साथ खड़ा होना ये हमें हमारा दीन सिखाता है। 2 बातें आखिरी जो हमारी और आपकी तकालीफ का बाइस बनी है, एक एब्सोल्यूट इनर्ट और दूसरी गुलामी नामंजूर। तो लिहाजा